गुड मॉर्निंग बच्चों, हेलो, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? तो आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर होगा, जैसे ऊपर लिखा भी है आपका, बेसिक मैथ। तो थोड़ा सा बेसिक मैथ मतलब पहला लेक्चर है और इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम आपको आईआईटी के बारे में हल्का सा बता दें कि आईआईटी में मैथ्स में आपको टोटल पढ़ना तो वही है जो उसके सिलेबस में दे रखा है। लाइक आपको अगर एक बार नाम ले लो मैं तो, अगर सब मोटा मोटी नाम ले लो तो आपका हो जाएगा। लाइक एलजेब्रा पढ़ना है आपको, कैलकुलस पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है। ये सब चीज़ें आपको पूरे होल मतलब 2 साल के या 1 साल के पीरियड में, जो अगर टारगेट के हैं तो 1 साल का, अगर 11th के हैं तो 2 साल के पीरियड में आपको पूरा ये पूरी चीज़ें कवर करनी है। तो उसके लिए अब चूंकि पूरे 1 साल या पूरे 2 साल के दौरान पूरा हम मैथ्स में जो जो चीजें आएंगी उसको हम बेसिक मैथ में पढ़ते हैं। इसको बेसिकली क्लास 10th में या 11th में हम थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं। बेसिकली क्लास 10th में हम इसमें काफी कुछ चीजें पढ़े होते हैं। उन्हीं को एक बार जितनी क्लास 10th की चीजें पढ़े होते हैं, मोर ओवर उसको एक जगह इकट्ठा कर देंगे ताकि वो चीजें एक बार आपकी रिवाइज हो जाएगी। और रिवाइज होने के बाद से जब एक बार हम बता देंगे तो फिर आपको वही चीजें जो क्लास 10th में पढ़े हैं, जब उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लास 12th के अपने 11th के या टारगेट के दौरान, तो आपको वो सब चीजें क्लास कोर्स के दौरान सब चीजें लाइन बाय लाइन समझ में आए कि हाँ ये चीजें वहां पे हम पढ़े थे, उसका कैसे यूज कर रहे हैं। तो इसलिए पहले दिन में आपको बेसिक मैथ्स में मैं बस बेसिक चीजें के बारे में बताऊंगा, जो कि कुछ दिनों तक चलेगा। जैसे बेसिक में आपको पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर थोड़ा लॉग के बारे में जानेंगे, थोड़ा इनइक्वालिटी के बारे में जानेंगे, थोड़ा मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा सिग्नम फंक्शन, थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट, इन हर एक चीज के बारे में थोड़े से जानेंगे और इनकी इनइक्वालिटी के बारे में जानेंगे, इनकी कब ये ओपन होंगे, इनकी वैल्यू क्या होगी, इन सब चीजों के बारे में पहले पहले जो बेसिक होता है पहला चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे। और इसकी सीट भी आपको मिलती है बकायदे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि आप कुछ नोटेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला बिल्कुल बेसिक नोटेशन जो कि क्लास 11th में यूज के लिए आएगा। जैसे पहला मैं नोटेशन की बात करूं तो एक नोटेशन होता है सिग्मा नोटेशन, नाम होता है सिग्मा नोटेशन, या इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड सम। कॉन्टिन्यूड सम जिसको का जिसका कि अगर मैं इसमें इसको ए नंबर दे दूं तो इसको मैं बोलूंगा पहला पॉइंट इसका कि इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, पढ़ा होगा कभी ना कभी, डिनोटेड बाय सिग्मा से डिनोट किया जाता है, पढ़ा जाता है सिग्मा। सिग्मा तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लाइक अगर मैं कहूं तो इसमें देखो ऐसे रहता है ऐसे सिग्मा। देखो बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं कि सर सिग्मा में अगर लिखा है यहाँ पे ए के, तो यहाँ पे लिखा होता है के इक्वल टू 1 से लेके एन तक। इसका मतलब समझना कि इस सिग्मा के लिए यहाँ पे के लिखा है और के इक्वल टू 1 से लेके एन तक लिखा है बच्चों। तो ये इसका मतलब हुआ कि के वेरिएबल हो गया, मतलब इस सिग्मा के लिए के की वैल्यू 1 से लेके एन तक नेचुरल नंबर चेंज होती है। 1, 2, 3 यानी 1 से लेके एन तक इंटीजर्स चेंज होती है। और सिग्मा का असली मतलब होता है प्लस। प्लस का मतलब कि अगला नंबर लिखने से पहले एक प्लस का यूज करेंगे। जैसे पहले के इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा a1, फिर अगला के इक्वल टू 2 डालने से पहले हम प्लस लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा, तब लिखेंगे a2, फिर हम आगे इसका अगला नंबर डालने से पहले एक प्लस लगा देंगे तो लिखेंगे a3। मतलब कि ये सिग्मा का मतलब होता है, एक्चुअल में सिग्मा का मतलब होता है प्लस। तो प्लस आपको लगाते जाएंगे और ये आपका होता जाएगा और लास्ट वाला नंबर हो जाएगा an। जैसे कि मैं आपसे एक चीज, मतलब मान लो मैंने पूछ लिया कि सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेके 5 तक ए के की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर a1, a2, A3, A4, A5, बस, क्योंकि आखिरी नंबर 5 है और चूंकि सिग्मा लगा है तो हर एक दो टर्म के बीच में, मैं बोल रहा हूं वर्ड पे ध्यान देना, टर्म के बीच में, दो टर्म के बीच में प्लस लगना है, दो नंबर नहीं, दो टर्म के बीच में। अब जरा देखो, मान लो किसी ने कहा कि आप बता दो बेटा कि के इक्वल टू 1 से लेके
पांच तक अगर मान लो कि एक लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है? तो मतलब होता है कि मैं k इक्वल टू वन डालूंगा तो वैल्यू वन होगी, तो फिर k इक्वल टू वन डाला वन होगी, अगले वैल्यू लिखूंगा तो उस समय भी आपकी यहाँ पे तो वन फिक्स हो गया है लेकिन ये पांच बार प्लस लगना है, तो ये वन फिर अगला वन फिर अगला वन फिर अगला वन, मतलब इसको इसकी जो न्यूमरेशन है वो पांच बार है, मतलब ये पांच बार चलेगा। इसका मतलब होता है एक से पांच तक मतलब पांच बार ये चलेगा दौड़ेगा, तो एक दो तीन चार पांच और इसका सम हो गया है आपको फाइव। अगर मान लो किसी ने दे दिया आपको के इक्वल टू वन से लेके सिक्स तक थ्री की वैल्यू, तो इसका मतलब होता है तीन आपका पांच बार चलेगा, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, एक दो तीन चार पांच प्लस थ्री, यानी ये आपका हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स यानी आपका एटीन, सब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एटीन। तो ये आपका सिग्मा का मतलब ये होता है। अब अगर मैं अगर ऐसे एक और बस आखिरी बात मैं बोल दूं, एक बात की मान लो लिखा है सिग्मा के इक्वल टू वन से लेके एन तक आपका वन लिखा है, इसका मतलब होता है बच्चों कि एक को एक आपका एन बार ऐसे ही चलेगा, वन टू थ्री वन 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 वन, मतलब वन 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 डॉट डॉट एन वन, ये सब आपका एन टाइम्स लिखा गया है, एन टाइम्स लिखा गया है, तो ये बन जाएगा आपका सबको जोड़ेंगे तो पांच बार जोड़ेंगे तो पांच होगा, छह बार जोड़ेंगे तो छह होगा, सात बार जोड़ेंगे तो सात होगा, एन टाइम्स जोड़ेंगे तो ये आपका एन हो जाएगा। अच्छा चौथे नंबर के बाद पे आते हैं, चौथे नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक इसमें क्या क्या क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आगे हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे या इस तरह के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ इसका नोटेशन का जरूरत पड़ेगी, और अभी कुछ देर बाद ही पढ़ेंगे, लाइक कि अभी ये बेसिक के बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बाद सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे, तो उसके बाद से हम इसका जो नोटेशन है वो यूज करेंगे, तो कई बार हमसे कंफ्यूजन या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या गलती कर देते हैं उसमें कि यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते क्या, तो वो चीज बस जान लें कि आपका जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पहली प्रॉपर्टी की मैं प्रॉपर्टी में बात करूं तो प्रॉपर्टी आपकी मैं पहली यहां से लिखता हूं कि पहली प्रॉपर्टी जो हो जाती है इसकी वो हो जाती है कि सिग्मा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि सिग्मा के इक्वल टू वन से लेके एन तक अगर मान लो ये ए के प्लस बी के लिखा है या ए के प्लस बी के लिखा है तो यहां पे आप लिख सकते हैं सिग्मा के इक्वल टू वन से लेके एन तक ए के प्लस सिग्मा वन से के इक्वल टू वन से लेके एन तक बी के, यानी आप यहां पे सिग्मा को प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं, इसकी फैसिलिटी अपने पास होती है। तो अब एक बात और, आप क्लास आप इलेवेंथ में आ गए हो या मे बी टारगेट में आ गए हो, तो एक बात और ध्यान देना आपकी, आपको यहाँ पे माइनस जो एडिशन होता है वो जो आप माइनस लिखते हो ना, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन होता है, बस एक निगेटिव नंबर का एडिशन होता है, तो हम ये सेम चीज अप्लाई होता है माइनस पे, तो यहाँ पे मैंने माइनस भी लगा दिया कि मतलब प्लस माइनस के साथ सेम बात होती है। अच्छा दूसरा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सिग्मा, एकदम बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, ओवर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो बच्चों ध्यान दो कि क्या इसके कहने का मतलब हुआ कि देखो इसका मतलब यह हुआ कि आपका ऐसे आया, प्रूफ भी मैं कर सकता हूं हर चीजों को आप प्रूफ भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं प्रूफ, जैसे k इक्वल टू वन से लेके n तक आपका ए के इंटू बी के है, तो आप ऐसी गलती कतई मत करना कि ऐसे लिख देना कि ये एक यहां से k इक्वल टू वन से लेके n तक ए के इंटू के इक्वल टू वन से लेके एन तक बी के, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, मतलब ये आपका मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, आप बिल्कुल क्लियरली इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। अच्छा अगला कि आप ऐसा भी गलती मत कर देना
कि के इक्वल टू वन से लेकर एन तक एके अपॉन बी के लिखा है कभी, तो आप यहां भी ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, कतई मत करना कि आप इनको अलग अलग कर दिए। ए के के इक्वल टू वन से लेके एन तक, और यहां भी सिग्मा देख लो बच्चों आ रहा होगा के इक्वल टू वन से एन तक बी के, तो आप ऐसी गलती मत करना कि ये ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रहे। तो ये आपका इसकी प्रॉपर्टीज है, आप हर एक प्रॉपर्टी को प्रूफ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है प्रूफ करने में, कहीं भी आप चाहे तो कोई भी दो नंबर लिख के, मतलब प्रूफ करने के लिए आप बस इसको देख सकते हो या आप फील ले सकते हो कि के वन से लेके तीन तक ले लो या वन से लेके चार तक ले लो और टर्म कुछ टर्म तक सम लो रख के देखो, आपका प्रूफ हो जाएगा। मतलब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता प्रूफिंग में, चलो ठीक है, जरा नेक्स्ट पे बात करते हैं अब। हाँ तो अब आते हैं बच्चों, ये तो हमने पढ़ा अभी तक कंटिन्यूड सम के बारे में, थोड़ा सा कंटिन्यूड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसके बाद क्या है, फिर मैं आगे की बात करता हूं कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट जो हो जाएगा, इसको पहली बात इसको लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोटेड बाई ये डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, कैपिटल पाई का नोटेशन होता है कैपिटल पाई इस तरह से, या कई बार इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं ऐसे, ये भी होता है, तो ये दोनों डिनोट करने का तरीका होता है। दूसरा मतलब क्या होता है, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, यहाँ पे मान लो के इक्वल टू वन से लेके एन तक लिखा है और ये ए के लिखा है, इसका मतलब जैसा नाम है पिछले वाले में सम नाम था तो प्लस आ रहा था बीच में, इस बार आपका प्रोडक्ट लिखा है मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन आपकी साइन आएगा, तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन का साइन हो जाएगा ए के, मतलब देखो पहला के इक्वल टू वन लिखूंगा फिर के इक्वल टू टू लिखूंगा, तो अगला टर्म लिखने से पहले बीच में मल्टीप्लीकेशन करेगा, फिर तीसरा टर्म लिखूंगा तो फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर के इक्वल टू फोर आएगा तो फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डॉट 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 ऐसे ही एन आएगा तो आपका एन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके कुछ और एग्जांपल्स पे बात करूं या बात करूं, अच्छा इसमें भी मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक नोटेशन है बेटा, मतलब ये सिर्फ इस तरह से लिखा है, कहीं आप सिग्मा देखें, ये आप सिग्मा देखें तो इसका मतलब है प्लस लगाना है, और ये देखें मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन लगाना है, ये सिर्फ एक तरह का नोटेशन है इसीलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा और जरा सुनो, इसके बाद अगर हम इस पे थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स की बात करें, या ये पहले ये हम बोले कि देखो यहाँ पे जो ये के है यही बता रहा है कि यहाँ पे के वैरी करेगा, लाइक अगर देखो मैं पिछले वाले एग्जांपल्स में ये वाली चीज नहीं लिया लेकिन यहाँ पे लेने का मुझे मौका मिला है, देखो मान लो ऐसे है आर इक्वल टू वन से लेके एन तक आर इंटू ए के, तो आप एक बात देखना, या ऐसे मान लो और थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो लिख सकते हैं ए के ए आर इंटू बी के, तो यहाँ पे आपको आदत ऐसी हो जाती है कि हम एक के 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 चक्कर में इतनी आदत बन जाती है कि हमको लगता है कि बस ये आर लिखा है तो इसका मतलब के को भी दौड़ाओ, नहीं इस बार सिर्फ आर दौड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ये वाला बताता है कि वेरिएबल आर है, तो दौड़ेगा सिर्फ आपका आर दौड़ेगा, तो ये इसके लिए के कांस्टेंट हो जाएगा तो बी के बाहर आ जाएगा इस पूरे सिस्टम से, और आर इक्वल टू वन से लेके एन तक ए आर हो जाएगा, और ये बी के इंटू अब लिख सकते हैं पहला टर्म ए वन फिर ए टू फिर ए थ्री डॉट डॉट मतलब इंटू इंटू ए हो जाएगा ए एन ये बन जाएगा। अब ऐसे ही मान लो आपके सामने कभी आ गया आर इक्वल टू या के इक्वल टू वन से लेके एन तक ए, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि ये ए आपका वन से लेके एन बार, मतलब ए आपका एन बार लिखाएगा, लाइक ऐसे लिखाएगा ए फिर अगला टर्म भी ए ही है क्योंकि हर टर्म ए है यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए हर टर्म आपका ए हो गया, तो यहाँ पे आपका ऐसे ही ए, ये आपका एन टाइम्स हो गया, ये हो गया आपका a की पावर n, यानी आपका ये चीज आप बेसिकली सीख ही रहे हो कि अगर ये साइन लगा है तो हमको मल्टीप्लाई करना है, कितने बार करना है वो ये बताएगा, और अगर आपका इस तरह से है तो ये बस आपका ये कि हर टर्म के पहले लगाने के पहले आप बीच में एक मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे। आगे अगर इसकी प्रॉपर्टी पे थोड़ा हम बात करें, प्रॉपर्टीज पे बात करें, तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी अगर हम कहें तो बिल्कुल वही है पहली प्रॉपर्टी कि ये आपका मतलब आपका जो ये होता है ये इस बार बगावत कर देता है, यानी प्रोडक्ट जो है
प्रोडक्ट यह बगावत कर देता है, प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। यह एडिशन के हल्का सा इस बार मैं आपको प्रूफ भी थोड़ा सा दिखाऊंगा, एडिशन के ऊपर ये आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, मतलब ये आप कतई नहीं कर सकते कि ऐसा लिखा हो k इक्वल टू 1 से लेके n तक ए के प्लस बी के, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये k इक्वल टू 1 से लेके n तक ए के प्लस प्रोडक्ट में k इक्वल टू 1 से लेके n तक बी के कर दें, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपको इस पे ये बगावत करता है। और कब कर सकते हैं ऐसा, जब ये सिग्मा हो तो ऐसा, वो प्लस से माइनस पे, तो जैसा प्लस का व्यवहार वैसा ही माइनस का व्यवहार, तो उस समय हम कर सकते हैं जब सिग्मा हो तो, लेकिन प्रोडक्ट पे नहीं। सेकेंड, अगर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मैं एक हल्का सा इसका आपको झलक दिखलाऊं एक कि कैसे होता है। देखो जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि प्रोडक्ट में k इक्वल टू 1 से लेके 3 तक, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूं, बहुत हल्का सा, ए के प्लस बी के, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली बात कर रहा हूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड वाली बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे पे पहला टर्म लिखने के बाद अगला टर्म लिखने से पहले एक मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा। फिर से मेरे वर्ड पे मार्क करो, अगले वाले सेंट वर्ड पहला टर्म लिखने के बाद अगले टर्म को लिखने से पहले इनके बीच में एक प्रोडक्ट का साइन लगेगा, मतलब पहला टर्म लिखाएगा ए वन प्लस बी वन, फिर अगला टर्म लिखाएगा ए टू प्लस बी टू, और इनके बीच में इनटू साइन आएगा, फिर ये इनटू हो जाएगा ए थ्री ए प्लस बी थ्री, ये आपका हुआ एलएचएस। अगर मैं RHS की बात करूं राइट हैंड साइड में, तो ये आपका सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके 3 तक ए के प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके 3 तक बी के। अगर अब कहा जाए तो यहां पे इस सिर्फ इस टर्म को इस टर्म में का हो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3, आई होप आपको दिख गया होगा। फिर प्लस अगले वाले टर्म का हो जाएगा B1 into B2 into B3। क्या जरा देखो तो ये दोनों इक्वल है क्या, देखो तो बच्चों ये दोनों इक्वल है क्या, देखो इन दोनों पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के 7-8 टर्म आएंगे, 8-9 टर्म आ जाएंगे, जबकि इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 ही टर्म आया हुआ है, तो इक्वल नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। सेम चीज एडिशन में है, नॉट इक्वल, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भाई ये इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है। सेकेंड प्रॉपर्टी, लेकिन 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 खूबसूरती तो इसकी भी है कि प्रोडक्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन पे और मल्टीप्लीकेशन पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लाइक ये आपका इस टाइप का कुछ मान लो कहा जाए कि प्रोडक्ट में ए के इंटू बी के लिखा है k इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो आप वैसे ही प्रूफ करना, इस बार ये बगावत नहीं करेगा, ये आपका सिमिलर जाके दे जाएगा इंटू, आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये बगावत नहीं करेगा। या अगर हम प्रोडक्ट पे बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ ए के इक्वल टू 1 से लेके एन तक ए के अपॉन बी के, ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ के इक्वल टू 1 से लेके एन तक ए के अपॉन प्रोडक्ट ऑफ के इक्वल टू 1 से लेके एन तक बी के, तो ये इस बार आपको ये बगावत नहीं करेगा। कब बगावत नहीं करेगा, ये जब आप प्रोडक्ट या डिवीजन की बात करें, लेकिन सम और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ये आपको बगावत कर जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके आगे की बात पढ़ेंगे, ये तो आपको सिंपल नोटेशन के बारे में मैं चल रहा था, अभी तक सिर्फ कंटिन्यूड सम और कंटिन्यूड प्रोडक्ट के नोटेशन के बारे में, मतलब कि ये सब जो चीजें हैं, अगर इनका बकवास का अगर इस बकवास का थोड़ा सा बता दूं कि यूज कहां रहेगा, तो इस बकवास का जैसे मान लो कि जो भी अभी तक बकवास किया गया है, इस बकवास का अगर यूज में हल्का सा बता दूं, जैसे मान लो कभी आ गया कि भाई सिग्मा 2 की पावर के प्लस 3 की पावर के, तो क्या करें, और प्रोडक्ट
टू की पावर के प्लस, सेम चीज सेम चीज सेम सवाल में ऐसी बातें आ सकती हैं। तो इस बार यहाँ पे तो हम खुशी खुशी एकदम बिल्कुल खुशी खुशी यानी एकदम मुस्कुराते हुए ये अलग अलग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अलग नहीं करेंगे। ये आएगा तो ऐसे ही लेके बैठे रहेंगे, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पे करने के लिए आपको अगर यहाँ पे इंटू होगा तब अलग कर पाएंगे, प्लस होगा तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जैसा है वैसे ही सॉल्व होगा। बात समझ में आई? उसके बाद तो ये आपको बस ऐसी कुछ बकवास अगर आपके सिक्वेंस सीरीज में कहीं भी इस तरह की चीजें आती है सवालों के दौरान तो आप इनसे कर पाए, इसीलिए सारी बातें मैंने अभी तक आपको बताया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो अब पढ़ेंगे बच्चों नंबर सिस्टम। जैसा मैं बोला कि अब नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हमको पता है आपने क्लास टेंथ में इसके बारे में भी काफी पढ़ लिया होगा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम ऐसे तो अगर हम इसका पहले हायरार्की ऑर्डर डिसाइड कर लें कि क्या हायरार्की ऑर्डर है, तो वो मैं दिखा दूं, बाकी उसके बाद की चीजें मैं इधर मैं आपको एक एक चीज लिख दूंगा। पहले मैं हायरार्की ऑर्डर आपको दिखाता हूं कि सबसे बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिनोट करते हैं सी से और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके वंशज तैयार होते हैं, ये सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ा। अब इसका इससे छोटा होता है रेशनल नंबर, मतलब इसके दो पार्ट होते हैं अगर हम कहें तो ऐसे, कि एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। इसका एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। अब इसके मतलब कुल मिला के इमेजिनरी, अब इसमें कुल मिला के आपका रियल के फिर से दो पार्ट होते हैं, मतलब दो इसके पुत्र, रियल के दो पुत्र कौन कौन, एक रेशनल और एक इरेशनल। देखो पढ़ भी रहा हूं मैं, देखो पढ़ रहा हूं, ये लिखा है रेशनल बच्चों, ये लिखा है रेशनल और ये लिखा है आपका बच्चों इरेशनल, इरेशनल फिर रेशनल। अब ये इसका इसका आगे फर्दर कोई वंशज नहीं आया, कोई पुत्र नहीं हुआ, शादी विवाह नहीं हुई इसकी इसके, लेकिन फर्दर इसके फर्दर आपके होते हैं आपका या तो सामने वाला इंटीजर होता है जिसको कि आई से डिनोट किया जाता है, या तो नॉन इंटीजर होता है जिसको आई सी या आई डैश से डिनोट किया जाता है, जिसको बोलते बोल रहे हम नॉन इंटीजर। देखो इसीलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये नॉन इंटीजर और इसको लिखते हैं इंटीजर, इंटीजर। अच्छा रेशनल को डिनोट करने का देखो कैपिटल में डिनोट करते, देखो ये रियल को डिनोट करने का होता है कैपिटल बोल्ड आर, ये आपका होता है ये देखो बोल्ड क्यू डैश या बोल्ड क्यू, ये बोल्ड बनाने का तरीका है कि मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे बोल्ड बनता है और हम बार बार ऐसे बार बार आप इतना टाइम नहीं लगा के बना सकते किसी को भी, इसीलिए इसको शॉर्ट कट में यहाँ पे दो लाइन बना दी जाती है ताकि वो आपका पहचान रहे इंटीजर से। यहाँ पे ये बोल्ड होता है लेकिन यहाँ पे दो लाइन बना के ऐसे कर दी गई है, एक किताबों का स्टैंडर्ड नोटेशन है बच्चों। तो ये इंटीजर, इंटीजर का फर्दर तीन पार्ट होता है, इसके फर्दर तीन पार्ट होता है, एक होता है आपका आई, आई प्लस है, फिर आपका है आई जीरो, आई जीरो, फिर एक है आई माइनस। आई माइनस का मतलब निगेटिव इंटीजर, आई प्लस का मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, और आई जीरो का मतलब कि ओनली जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। अच्छा यह है जीरो इंटीजर। अच्छा फर्दर आई प्लस को ही हम बोलते हैं, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं, देखो कैपिटल एन से मैं डिनोट कर रहा हूं, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर नाम है नेचुरल नंबर। और जब इसको आई जीरो जीरो को नेचुरल नंबर को एक साथ मिला दिया जाए तो ये बन जाता है होल नंबर, मतलब नंबर अब जाके नंबर पूरा हो गई, कंप्लीट नंबर या होल नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या, ये हो जाता है होल नंबर, इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या है, इसको धनात्मक धनात्मक पूर्ण संख्या है, ऐसे ही ये जीरो है, ये ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, ऐसे सब तरह का हिंदी नाम भी है। तो ये हो गया। अब जरा सा मैं एक एक चीज के बारे में हल्का हल्का आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स नंबर
देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल बहुत हम बेसिक से नहीं स्टार्ट करते हैं। ये आया कहाँ से था? तो ये आया था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कहीं सॉल्व हो रहा था तो क्वाड्रेटिक में आपको अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ गई थी तो इसी चीज को, वैसे तो जनरली अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर डिफाइंड ही नहीं होती है, और जब जो चीज डिफाइंड नहीं होती उसकी वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए लेकिन लेकिन उसका मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वाले ना वो मतलब एक अलग ही दिमाग चलता है इनका, मैथ्स के लोगों का। तो इन लोगों ने कहा ठीक है, जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और भी इसका और हम कहें तो ये जैसे इसको लिख देते हैं हम आई, इसको लिखा गया आई, आई का मतलब है आयोटा। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और नाम होता है आभासी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, मतलब ये मतलब इमेजिन की गई, ये सिर्फ एक कल्पनाओं की दुनिया में चलता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू होती है आई, इसको लिख मतलब ये आयोटा है, और इसकी अगर वैल्यू देखा जाए तो आई, इसको आई की वैल्यू आपका आ गया अंडर रूट माइनस वन, दिस इंप्लाई आई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई बच्चों? माइनस वन। मतलब ये फिक्स बात हो गई कि आई स्क्वायर की वैल्यू मतलब माइनस वन का अंडर रूट आई होगा या आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होगा, एक बात। दूसरी बात, अब जरा समझ लो कि कोई आपसे पूछ लिया कि आई स्क्वायर तो माइनस वन हो गया, ठीक है आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे कि ये आई स्क्वायर इंटू आई लिखा गया है, मतलब ये माइनस वन इंटू आई लिखा गया है, मतलब आई हो गया। अगर कोई पूछेगा कि आई की पावर फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे ये आई स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, मतलब माइनस वन का स्क्वायर लिखा है, मतलब ये प्लस वन हो गया। तो आप एक चीज देखो कि क्या आया हमारे पास अभी तक, कि आई की वैल्यू अगर मैं कहूं आई है तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, आई क्यूब की वैल्यू आपका आई आ गया, माइनस आई आ गया, और आई की पावर फोर की वैल्यू आपका वन आ गया। अब पता है लोग क्या करते हैं, इन चारों को जोड़ देते हैं, लोग क्या करते हैं इन चारों को जोड़ देते हैं। अगर इन चारों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने, प्रस्तुत है आई आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर फोर, जिसकी वैल्यू है, जरा हमने तो लेफ्ट लिख दिया, आप राइट जोड़े, आई से आई उड़ा, माइनस वन से माइनस वन, सब एक दूसरे को ले डूबे, सबकी टाइटेनिक डूब गई, अब हो गया। लेकिन लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होता है इसकी कहानी, और भी थोड़ा सा और मैं इंटरेस्टेड हूं आपके लिए निकालने के लिए, आई की पावर फाइव निकालने के लिए, इसको मैं लिखूंगा आई की पावर फोर इंटू आई, ये आई की पावर फोर की वैल्यू आपके सामने है, ये है वन इंटू आई, मतलब आई। शाबाश मेरे बच्चों, आई की पावर सिक्स निकाला तो ये हो गया आई की पावर फोर इंटू आई स्क्वायर। आपको अगर आप मेरी बातों पे, मेरे बोलने पे और मेरे पेन पे यानी चौक पे आपका ध्यान होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिखने वाला हूं अगली लाइन। तो ये हो जाएगा वन इंटू माइनस वन आपका आ गया माइनस वन, आई की पावर सेवन, ये हो जाएगा आई की पावर फोर इंटू आई क्यूब, और आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई है तो वन इंटू माइनस आई आ गया माइनस आई। ऐसे ही आई की पावर एट, तो ये है आई की पावर फोर इंटू आई की पावर फोर, मतलब वन इंटू वन, फाइनली आ गया वन। तो आप जरा इनको भी जोड़ के देखो, इनको भी जोड़ोगे तो आई से आई उड़ा, माइनस वन से वन लेके फिर नैया डुबा दिया, मतलब टाइटेनिक डूब गई फिर से। अब इसका मतलब ये हुआ, अच्छा दूसरा मैंने काम क्या किया है कि किसी भी ज्यादा पावर को, किसी भी ज्यादा पावर को आई की पावर फोर में तोड़ा गया है, क्योंकि एक बात पता चल गया कि आई की पावर फोर की वैल्यू होती है वन, फिक्स होती है। तो यहां से दो बातें लोग लिखते हैं यहां से, कि दो बातें कि अगर आई का फोर कंसेक्यूटिव, चार कंसेक्यूटिव पावर ऑफ, फोर टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, यानी कंसेक्यूटिव पावर ऑफ सम ऑफ, मैं लिख देता हूं इसको कि सम ऑफ फोर टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव पावर, कॉन्सिक्यूटिव पावर इज इक्वल टू जीरो। इसके कहने का मतलब जरा से देखो, मैं बगल में लिख देता हूं, इसके कहने का मतलब कुछ ऐसा है यहां से कि आई की पावर अगर एन प्लस आई की पावर एन प्लस वन, आई होप आपको दिख रहा होगा,
आई की पावर एन प्लस वन प्लस आई की पावर एन प्लस टू प्लस आई की पावर एन प्लस थ्री इज इक्वल टू, देखो कितने टर्म है, एक दो तीन चार, तो आपका आंख बंद करके बोल दो जीरो। लाइक अगर और भी बोले तो जैसे मान लो कभी मिला आई की पावर 12, आई की पावर 14, आई की पावर 15, आई की पावर 13, आंसर क्या हो जाएगा, देखो 12, 13, 14, 15 सब अवेलेबल है, मैंने जानबूझ के लिखा है 13 को उधर की दिखने में थोड़ी दिक्कत हो। अच्छा तो ये आपका हो गया, मतलब चार कंसेक्यूटिव पावर का सम जीरो होता है, पहली बात आपको पता चली। दूसरी बात पता चली इसमें कि और किसी भी पावर कितना भी ज्यादा पावर होगा, आई की खूब ज्यादा पावर, अभी बता रहा हूँ एग्जांपल, मैक्सिमम पावर अगर पूछने लगे तो आप उसको डिग्री फोर के टर्म में तोड़ो, क्योंकि डिग्री फोर की वैल्यू है यहाँ पे वन। तो आप जैसे ऐसे तोड़ो, जैसे मान लो किसी ने बोला आपसे आई की पावर मान लो 99 निकालना है, तो हम इसको तोड़ेंगे कि भाई आई की पावर 4 के टर्म से कितना फालतू है, मतलब कितना ज्यादा है, कितना एक्स्ट्रा है। तो पहले आई की पावर 4 इसको 99 में मल्टीप्लाई करो, कितने बार जाएगा बोलो 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 बोलो, 24 बार जाएगा क्या, 24 6 96 होता है, और कितना फालतू आएगा 3, तो ये 1 की पावर 24 इंटू आई क्यूब, अब इसकी वैल्यू तो 1 और आई क्यूब की वैल्यू आपको याद है माइनस 1, तो आ गया माइनस आई आई की पावर 99 का। ऐसे ही अगर किसी ने आपसे पूछा 105, तो आप इसको आई की पावर 4 में तोड़ोगे कि उससे कितना फालतू है, तो आई की पावर 4 से 26 का 4 में मल्टीप्लाई 104 होता है, तो ये हो जाता है आई की पावर 26, तो ये 104 हो गया और इंटू एक आई बच गया, एक आई फालतू है, तो इस पूरे की वैल्यू तो हो गई बच्चों 1 इंटू आई, यानी आंसर आ गया आई। तो ये आपका टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की चीजें इतनी ही हमें जरूरत है क्लास 11th के लिए। अब इसके बाद एक चैप्टर क्लास 11th में ही हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा एक चैप्टर है, मतलब आईआईटी के कोर्स के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है। फिर आप ग्रेजुएशन में बीटेक करने गए, आईआईटी के अंदर गए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक सब्जेक्ट है। फिर आप उसके ऊपर और गए तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक रिसर्च करने का फील्ड है, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन वगैरह सब होता है, कॉची इंटीग्रेशन उसका नाम होता है, तो वो सब होता है उसमें, लीबेक इंटीग्रल कॉची इंटीग्रल सब आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी स्टार्टिंग में यहाँ 11th में एक चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके ऊपर एक पूरा रिसर्च का फील्ड है, एक ब्रांच है, जैसे एलजब्रा एक ब्रांच है वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एक ब्रांच हो जाएगी। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर आगे, मतलब वो समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बेसिक से आप क्लास 10th से स्टार्ट कर रहे हो, इससे पहले कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना घटाना 11th से पहले आप नहीं सीखे होंगे, तो इसके हम पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट रियल नंबर के बारे में। जो हम बच्चों हम अभी देख रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का पहला पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े, उसके बारे में थोड़ा सा मैं चीजें बताया भी, क्योंकि वो आपके लिए पहली बार है, पहली जानकारी है इसके लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी जो चीजें आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th तक, उसको मैं फटाफट एक बार आपका यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ताकि वो आसानी रहेगी याद, चीजें आपको रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि मैं मान लो कि पहला नंबर पे लिख रहा हूँ, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहला था, तो दूसरे नंबर पे लिख रहा हूँ और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर आपका, नेचुरल नंबर को देखो डिनोट किया जाता है, मैं इसको यही ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डिनोट किया जाता है ऐसे एन से, यहाँ पे ये थोड़ा डबल लगा देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो डिनोट करने का तरीका है वो ये बोल्ड है, तो ये बोल्ड लिखना हर बार इतना टाइम वेस्ट करना संभव नहीं है हम लोगों के लिए, इसलिए आजकल किताबों में भी यही आपका नेचुरल नंबर और यहाँ पे डबल लगा देता है, तो ये नेचुरल नंबर हो जाता है। तो नेचुरल नंबर हो गया, डिनोट हो गया ये, तो नेचुरल नंबर का जो ये सेट हो गया वो आपका ऐसे हो गया 1 2 3 4 5 6, ये आपकी नंबर से, कई बार इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, कई बार इनको जो इनका नाम है वो काउंटिंग नंबर्स भी है।
तो काउंटिंग नंबर से मतलब गिनती यहीं से शुरू हुई, मतलब गिनती आपको करना स्टार्ट, जब आप क्लास 1 2 3 में पढ़े होंगे तो गिनती स्टार्ट किया होगा, तो गिनती यही गिनती की नंबर, यानी पहले काउंटिंग की नंबर्स ऐसे, उससे पहले काउंटिंग का कुछ लोगों का तरीका अलग था, कुछ भी ऐसे मार्क कर देते थे, कुछ कम या ज्यादा होता था तो मार्क्स हटाते थे, फिर वो उनका एक पहचान था कि इतने मार्क्स कम हो गए, इतने मार्क्स ज्यादा रह गए, वो गिनती नहीं करते थे कि 1 2 3 4। बट ये जब आज नेचुरल नंबर आया थे काउंटिंग नंबर्स, मतलब पहले गाय की गिनती चालू हुई। आपका सेकेंड नंबर पे है, मैं इसके पीछे आपकी ये सेकेंड नंबर पे है होल नंबर, होल नंबर, यहाँ पे होल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल W से, वही यहाँ पे ऐसे डबल बना दिया गया, होल नंबर हो गया। तो अब ये होल नंबर का मतलब काउंटिंग नंबर सभी नंबर्स पूरी नहीं थी, होल नंबर मतलब और नंबर पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। होल नंबर का होता क्या है, ये होल नंबर अगर मैं कहूँ तो ये होता है 0 से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, ये वाली नंबर जो होती हैं ये होल नंबर होती हैं। होल नंबर के बाद से तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है आई से, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से, फिर से वही सारी बातें। ये समझो कि देखो क्या था कि पहले जमाने में कभी ऐसे, मतलब बस याद रखने की थोड़ी सी कहानी है कि मान लो कि लोगों के पास जानवर थे बहुत सारे, जानवर के लोग रोज काउंटिंग कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, फिर किसी दिन ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे बाढ़ आई, बाढ़ में कुछ जानवर चले गए, फिर वो काउंटिंग करते करते 1 2 3 4 कुछ कम हुए, फिर कुछ बार और दूसरे दिन कुछ और जानवर गायब हो गए, फिर 2 4, फिर 1 2 4 5, मान लो 5 रह गए, फिर गायब हुए 2 रह गए, अभी भी वो कह सकता है कि हाँ अभी मेरे पास 2 जानवर हैं, फिर एक दिन और गायब हुए और कुछ नहीं रह गए। अब उसके पास समझ नहीं आ रहा था कि अब इसके बाद वो कैसे बोले कि हमारे पास कुछ नहीं है, को कैसे मैथमेटिकली कैसे बोले, तो बोला मैथमेटिकली, बोला 0 मेरे पास, मेरे पास 0 जानवर है, कितने जानवर है 0, मतलब तब जाके नंबर्स पूरी हुई, अब जाके उसकी काउंटिंग पूरी हुई कि हमारे पास कुछ नहीं है का मतलब मैथ में 0 है, आई हैव नथिंग मतलब आई हैव सम, आई हैव 0, तो ये वाली बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो गया। सेकेंड, उसके बाद इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स को डिनोट करते हैं आई से। हाँ तो बच्चों, तो इंटीजर्स पे हम बात कर रहे हैं, इंटीजर्स आपका है, अब देखो इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं आई से, और ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें जो कुछ चीजें हैं वो देखो, तो ये वाली जो बात है ना यहां से यहां तक, इनको हम बोलते हैं ये निगेटिव इंटीजर्स हैं, ये आपका निगेटिव इंटीजर्स है, इधर से इधर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, कि ये पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ वह एक बार के लिए हम पढ़ रहे हैं इसको, ये 0 इंटीजर है, और 0 इंटीजर को, 0 इंटीजर कई बार, 0 इंटीजर को हम बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव, 0 आपका है नाइदर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये आपका है ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव इंटीजर है, ये आपका आई है जो नाइदर पॉजिटिव। एक और बात है इसी में, एक और वर्ड आपको सुनने को मिलेगा कई बार, जिसको नाम होगा नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। अब जब नॉन निगेटिव का जब नाम चलेगा तो सबसे पहले दौड़ के कौन आएगा, सबसे पहले दौड़ के आएगा 0 की, भाई मैं भी नॉन हूं, मैं भी नॉन निगेटिव हूं, तो पहले 0 और निगेटिव कौन नहीं है, 1 2 3, समझो ये समथिंग लाइक होल नंबर टाइप का है, तो ये नॉन निगेटिव। फिर मान लो सेकेंड कभी सुनने को मिलेगा आपको नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नॉन पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको भी दौड़ेगा सबसे पहले, इसके नाम पे भी कौन दौड़ेगा, बोलेगा अरे भाई 0, बोलेगा अरे हम तो 0 जो ना तो निगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, मतलब 0 सबसे पहले दौड़ के आया, फिर ये -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ये सारे नंबर आपके नॉन पॉजिटिव नंबर हो गए, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गई। अब आते हैं इसके बाद, इंटीजर्स के बाद आपका अगला टर्म आता है जो कि जानना चाहिए अपने को, तो फोर्थ नंबर पे ये होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। कल ये सारा मैंने इनका वो आपका थोड़ी देर पहले अभी हायरार्की ऑर्डर करा चुका हूं, तो रेशनल नंबर्स इनका है, रेशनल नंबर्स इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू, ऐसे यहाँ पे लगा देंगे ये हो जाएगा कैपिटल क्यू। अच्छा, एक आपने किताबी किताब में डेफिनेशन पढ़ा होगा
क्लास सिक्स सेवेंथ में कि ऐसी नंबर फिलहाल में मैं लिख देता हूँ याद दिलाने के लिए कि नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where Q not equal to 0, and P and Q belong to integer, या natural कुछ भी कह सकते हैं integer, then it is called rational number. ये तब कहलाएगा rational number. Like जैसे मान लो 2 हो गया, यानी 2/1, फिर 1/2, फिर 3/2, फिर 2/3, फिर 1/3, फिर 4/3, फिर 3/4, ऐसे मान लो ये नंबर्स हो गए. अच्छा, अब क्या था कि जब ये सारे नंबर्स जब लिखे जा रहे थे P by Q के फॉर्म में, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स के टर्म में, तो लोगों के पास खलिहर बैठे लोग थे, और खलिहर आदमी क्या करता है, कुछ ना कुछ कुराफात करता है, और कुराफात क्या क्या, डिवाइड करना चालू किया. यहाँ से डिवाइड करना जब चालू किया तो यहाँ पे इसको आ गया 2.0, इसका डिवीजन किया तो ये आया 0.5, इसका डिवीजन किया तो इसका डिवीजन आया उसको 1.5, इसका डिवीजन आया जब डिवाइड किया तो 0.666, और ये खत्म ही नहीं हो रहा है 66 ... इसको डिवाइड किया तो ये आया 0.333, खत्म ही नहीं हो रहा है, ये बस चला जा रहा है ... इसको डिवाइड किया तो ये आया 1.3333, खत्म नहीं हो रहा है, इसको डिवाइड किया तो ये आया 0. बोलो बच्चों कितना आया, 0.75. तो ये आपका डिवीजन. अच्छा, जब डिवीजन करने के बाद लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो रेशनल नंबर है वो डेसिमल के बाद या तो टर्मिनेट यानी खत्म हो जा रही है, मतलब रुक जा रही है, या फिर डेसिमल के बाद चलती जा रही है, रिपीट कर रही है. चलने का मतलब ये यहाँ सेंस में कि रिपीट कर रही है, डेसिमल के बाद सेम नंबर या तो रिपीट कर रहा है या तो डेसिमल के बाद खत्म हो जा रहा है. तो लोगों ने एक और रेशनल नंबर की डेफिनेशन, जिसको कि हम यहाँ पे उसी पे जोड़ देंगे, पढ़ा कि रेशनल नंबर वो नंबर है कि नंबर्स विच आर आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद आइदर रिपीट और टर्मिनेट, या तो रिपीट होती है या तो टर्मिनेट हो जाती है, मतलब या तो खत्म हो जाती है या तो रिपीट करती है, वो नंबर्स कहलाती है रेशनल नंबर्स. इसी के ऊपर हम इरेशनल नंबर के बारे में भी बात करेंगे, यानी ये हमारे लिए काम की डेफिनेशन आती है कि वो नंबर्स जो नंबर्स आपका डेसिमल के बाद या तो रिपीट कर रही है या तो टर्मिनेट कर हो जा रही है. मतलब देखो, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, यहाँ रिपीट हो रहा है बच्चों, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ टर्मिनेट हो गया. तो ऐसी नंबर्स को हम बोलते हैं कि ये नंबर्स आपका रेशनल नंबर्स है. ठीक है.